अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल वीलॉग में। मैं हूँ बेनज़ीर। आज क्या होने जा रहा है वीलॉग में? आज होने जा रहा है, आज मैं बनाऊंगी जल्दी से फ्राइड राइस बनाऊंगी, और उसके साथ साथ ये नेगेट्स है उसके साथ मैं सर्व करूंगी, क्योंकि आज मेरा था डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, तो बहुत देर हो गई आते आते। तो मैंने सोचा कि फ्राइड राइस के साथ चिकन नेगेट्स रख लूँगी। और आज आपको मैं सिखाऊंगी कि प्याज कली स्प्रिंग ऑनियन को घर में कैसे लगाते हैं। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि मुझे यूके के बारे में बताएं कि यूके में रेंट के घरों की प्राइस क्या है। तो चले जी, आज का टॉपिक के साथ साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है और बैठे रहना है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी जो पाकिस्तान से यूके आने के ख्वाहिशमंद है और यूके आना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि घर रेंट का बता रही हूं। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो है ना, घरों की जो प्राइस है रेंट के लिहाज से अब बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है आज के ज़माने में, मतलब कि 2023 में बहुत अप हो चुका है घर का रेंट। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये हो गया है कि ना, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर कम हो गए हैं। चाहे आप बर्मिंगम ले लें, मैनचेस्टर ले लें, या एडिनबर्ग ले लें, ये सब में अब घरों की प्राइस ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और अगर जो मेरे भाई यूके आना चाहते हैं और रेंट का घर लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि लंदन में तो हरगिज़ ना लें, क्योंकि लंदन में सबसे ज़्यादा हाई रेट है घरों की। हर लिहाज से घर भी बहुत छोटे होते हैं और प्राइस भी इतना होता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और कम से कम भी वहाँ पे एक कमरे का हाउस, एक कमरे का जो घर है, वो 2,000 पाउंड उसका रेंट होता है एक कमरे का। 2,000 पाउंड ये बहुत ज़्यादा है और ये अफोर्डेबल नहीं है। अगर चाहे मेरे भाई इंडिया से आए या पाकिस्तान से आए, लंदन में घर बहुत महंगे हैं रेंट के लिहाज से, और ख़रीदने में भी तो बहुत ही महंगे हैं। जो लोग समझे कि 90,000 90,000 साल का पाउंड कमा रहे हैं या 80,000 साल का पाउंड कमा रहे हैं, वो शायद लंदन के हाउस जो है अफोर्ड कर ले। मगर जो बंदा 50,000 पाउंड साल का कमा रहा है, वो हरगिज़ हरगिज़ सोचे ना। लंदन में बहुत महंगा रेंट का किराया भी है, और आपको सिर्फ किराया ही नहीं देना है, आपने बिजली का बिल, आपने क्या कहते हैं काउंसिल का टैक्स, और आपने क्या कहते हैं पानी का बिल, ये सब भी पे करना होता है। और यहाँ तक कि फ़ोन का क्या बैलेंस जो है डलवाते हैं, जो फ़ोन के हम लेते हैं, वो भी आपको डलना पड़ता है। तो मैं यही मशवरा दूंगी कि लंदन में हरगिज़ ना सोचे, लंदन के बाहर थोड़ा सोच लें तो बेहतर है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यूके में कितने टाइप्स के घर होते हैं। यूके में देखें, मेरा घर माशाल्लाह से डिटैच है। यूके में पहला नंबर आता है डिटैच हाउस, उसके बाद आता है सेमी डिटैच, उसके बाद आता है टेरेस, और आता है फिर बैंगलो, और बैंगलो के बाद लास्ट में आता है फ्लैट, ठीक है। डिटैच हाउस जो है, जो मेरा भी है, डिटैच हाउस की प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। चले ज़रा रेसिपी की तरफ आते हैं, फिर बताती हूँ। तो चले जी, मैंने प्याज और थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्रीन ऑनियन जो है वो भी डाला है, और थोड़ा सा मैं हमें लहसुन के जवे भी डाले हैं। इन सबको स्टेयर फ्राई करेंगे, और आगे आगे क्या करेंगे, अच्छा गाजर भी डालूंगी, कैरेट भी, उसको भी साथ रखेंगे, और डाल के स्टेयर फ्राई करना है बस आपने। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। डिटैच हाउस का जो रेंट होता है ना, कहते हैं 3 बेडरूम का, वो होगा 1,600 पाउंड का, कभी कभी 1,600 से ज़्यादा भी होता है। 3 कमरे का डिटैच हाउस का रेंट बता रही हूँ। अच्छा, मगर इस घर पे रहने का मज़ा ही अलग होता है। डिटैच हाउस में रहने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होता है, आप बिल्कुल सुकून से प्राइवेसी के साथ रह सकते हैं। उसके बाद आता है क्या कहते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में घर ले रहे हैं। अच्छा, मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, सॉरी, मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है 1 चाय के चम्मच, नमक भी थोड़ा डाल दिया है, कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। इन सबको डाल के स्टेयर फ्राई करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। डिपेंड करता है एरिया वाइज के 3 कमरे का डिटैच हाउस आपको कितने का मिलता है। वैसे अच्छे इलाके में अगर लें आप, तो 1,600 मंथली रेंट होता है, ठीक
ठीक है, और कुछ तो 1400 का भी मिल जाता है। आप इसके बाद क्या है, क्योंकि आप जब रेंट का हाउस लेंगे तो आपको पहले डिपॉजिट देना पड़ता है 1 महीने का। 1 महीने का डिपॉजिट देने के बाद ही आपको घर मिलेगी, घर की चाबी मिलेगी, क्योंकि जब आप घर छोड़ते हैं तो फिर ये डिपॉजिट कट जाता है। मतलब ये डिपॉजिट मतलब आपको दे देते हैं, सम टाइम आपने कोई चीज़ तोड़ उड़ दी हो तो इसके लिहाज से इसको आपके डिपॉजिट से काट लेते हैं, ये इनका तरीका है। ठीक है, तो चलो रेसिपी की तरफ थोड़ी आते हैं। इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट डाल के मिक्स किया और तैयार है, गर्मा गर्म नैगेट्स फ्राई कर दिए। आज बड़ी जल्दी थी मुझे, तो शॉर्टकट में तो भाई फ्राइड राइस ही बन सकता था, तो मैंने शॉर्टकट में फ्राइड राइस बनाए हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, साथ में नैगेट्स बना दिए। अच्छा, मैं आपको सिखाती हूँ और क्या चीज़, आपको आज स्प्रिंग ऑनियन लगाना बताऊँगी अपने घर में। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको साथ बहुत सारी यूके की चीज़ें शेयर करूंगी। ये तो थोड़ी सी एक टिप थी जो मैंने अपने उन भाइयों को बताया जो मुझसे पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह यूके का रेंट है। लंदन में घर लेने का हरगिज ना सोचें, क्योंकि लंदन आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लंदन तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ा महंगा है भाई, और छोटे छोटे घर हैं और इतने महंगे हैं जिस जो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल नहीं है। तो चले जी, मैंने शिमला मिर्च के साइड्स काट दिए हैं, ये निचला हिस्सा। अब मैं कैसे लगाऊंगी वो आपको मैं अपने गार्डन में जाके बताती हूँ। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं यूके के बारे में। मैं हाजिर हूँ जी, आपको ज़रूर गाइड करूँगी। ठीक है, ये लीजिए मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं, शुरू हो जाती हूँ अपने गार्डन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गार्डन में सबसे पहले हम प्याज कली लगाने के लिए मैंने ये सॉयल वगैरह सब सॉफ्ट है, और ये जो कुछ जंगली पत्ते निकल गए हैं उसको साइड कर लूँगी। तो चले जी आपको बताते हैं कैसा आगे क्या होगा। चले जी लगाना शुरू करते हैं। ये है मेरे पास प्याज कली का स्प्रिंग ऑनियन का निचला हिस्सा। अब हम क्या करेंगे अभी दिखाते हैं। ये मेरे पास मिट्टी और सॉयल बिल्कुल मिक्स है, ज़बरदस्त हुआ हुआ है। अब मैंने क्या करना है, उंगली की मदद से थोड़ा सा होल करना है, सुराख करने के बाद एक एक बल्ब जो है ना, ये बल्ब प्याज कली का ऐसे लगा देंगे। ये देखिए ऐसे लगा देंगे, यकीन जाने इतनी आसान ज़िंदगी हो जाती है, इतने अच्छे निकलते हैं स्प्रिंग ऑनियन ना, कि आप इसको फ्राइड राइस में डालें या सब्जियों में डालें, बड़े मज़े का लगता है। तो आज मैं आपसे वही सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। तो बेनज़ीर आपसे, मैंने कहा ना आपसे हर वो चीज़ शेयर करेगी जो आपके फ़ायदे के हों। तो चले जी आज का टॉपिक भी हो गया, और इंशाल्लाह आगे और टॉपिक बताऊँगी कि घर लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, घर ख़रीदने के लिए क्या करना चाहिए, सब आइडिया दूँगी। आप बस बने रहें मेरे साथ और इसी तरीके से कनेक्टेड रहें, आपको सारी आइडिया मिलेगी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मुझे क्या कहते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं यूके के बारे में, और क्या सुनना चाहते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो चले प्याज कली को इस तरीके से लगा लिए हैं, और ये जो है ना ये मेरा पुदीने का लगा हुआ है, बट इसमें ना कुछ जंगली पत्ते आ जाते हैं, उसको आपको नोच के हटाना पड़ता है। तो इसको हटा लेंगे, बस हमारा प्याज कली माशाल्लाह से उगना शुरू हो जाएगा, फिर मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। चले जी मेरी ये वाली वीडियो आप जिसमें मैंने क्लिक कीजिए, इसकी आपको सामने पिक्चर आ रही होगी, इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। अब भी क्लिक करें आप डायरेक्ट वीडियो में पहुंचेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर क्लिक कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बेनज़ीर फिर आएगी और आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आएगी। अल्लाह हाफिज़।